अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक। हमने ना एक कैंपेन चलाई है जिसमें हमने ये प्लान किया है कि हम बच्चों का तलीम के साथ साथ इस्लाह भी करेंगे बच्चों, तो उस सिलसिले में आज हम हमारा पहला प्रोग्राम है। तो जरूरी नहीं, देखें यहाँ पढ़ने के आप स्किल ले रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया क्या है, दुनिया को समझना चाहिए, जिंदगी क्या है उसको आप समझेंगे तो बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। तो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तलावते कुरान पाक के लिए आप आए बेटा। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم جی ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہو تو اس کے نبی کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ तो अब नाते पाक के लिए आपके सामने तशरीफ लेके आ रहे हैं इब्ने अब्दुल्ला। जी इब्ने अब्दुल्ला। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजर तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। गुरूर हूरों का तोर डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोर डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उस लर्जां। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उस लर्जां। उमर के आने से कुफर पर जो जवाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी तो सायम सभी है आला है रुतबे सबके अजीम बाला। नबी तो सायम सभी है आला है रुतबे सबके अजीम बाला। मगर जो आखिर में आमीना का वो लाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर
जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जजाकल्लाह, माशाल्लाह जजाकल्लाह। अच्छा, हमारा ये अलमिया है कि हमारे जो वीएन है, वीएन क्या होता है कि मैं जिंदगी के मकसद के नहीं पता कि हमारा जिंदगी का मकसद क्या है। अब आपकी जो स्टेज है मैट्रिक की, ये बड़ी अहम स्टेज है क्योंकि आपने इसके बाद अपना कैरियर की सिलेक्शन करनी है कि आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आपने मेडिकल में जाना है, ठीक है, आपने कंप्यूटर साइंस में जाना है। आपका वीएन क्लियर नहीं है, क्यों? ये आपका कसूर नहीं है, हमारा तलीमी निज़ाम इस तरह का, ठीक है, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के इंसान होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट और दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। कौन कौन से? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो खुद में गुम रहते हैं, जो तन्हाई पसंद होते हैं, जो किसी के साथ मिलते नहीं है, जिनके सोशल लिंक्स नहीं होते। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिनके सोशल लिंक्स ज्यादा होते हैं। अब आप एक इंट्रोवर्ट बंदे को, एक इंट्रोवर्ट बंदे को आप प्रोफेसर बना देंगे, आपने 100 बच्चों को पढ़ाना है, 100 बंदों के सामने खड़े होकर बात करनी है, क्या वो अच्छा प्रोफेसर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो इसके लिए बना ही नहीं है। इसी तरह एक एक्स्ट्रोवर्ट बंदे को कहेंगे आपने सुबह 5 से 8 या 5 से 4 जॉब करनी है, क्या वो कर सकता है अकेले बैठ के? नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप अपना वीएन क्लियर करें बेटा कि आपने करना क्या है, ठीक है। दूसरा, तलीम का, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि तलीम 3 सीज पे घूमती है। कौन सा सीज? पहला सीज है कॉन्फिडेंस। कौन सा है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अगर आप मास्टर भी हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। सेकंड सीज कौन सा है? क्रिएटिविटी। कौन सा? क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव माइंड नहीं है तो आप अप लेवल पे तरक्की नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी कैसे आती है? मेहनत के साथ आती है। जब मेहनत करेंगे, किसी चीज की रिसर्च करेंगे, अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में कह रहा है कि रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, लेकिन हम है कि हम कुछ सोचते नहीं है। देखे ना, कोई भी चीज है उसका कोई मकसद है। दुनिया में कोई भी चीज बगैर मकसद के, बगैर पर्पज के नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए ये चीज है उसका मकसद क्या है, ठीक है। तो ये है कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करें, मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, जब मेहनत करेंगे तो आपकी स्किल अप होगी और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो क्रिएटिविटी कैसे आती है? मेहनत से आती है, मेहनत से आती है, मेहनत से, मेहनत से आती है। तीसरी चीज जो, तीसरा चीज जो, करैक्टर है, किरदार है। अपने करैक्टर को बेहतर बनाए। तो कोई आपके साथ जो रिलेशनशिप रखे तो तीसरा बंदा कहे यार वो बंदा गुड है तो ये बंदा भी गुड है। उस बंदे के साथ रिलेशनशिप रखें जो बंदा गुड है, अच्छा है, जिसको, जिसके माशरे में पहचान है कि ये अच्छा बंदा है, जो कामयाब बंदा है। नाकाम बंदे के साथ आपने रिलेशनशिप रखना है तो आपने भी नाकाम ही कहलाया जाना, चाहे आप जितने मर्जी रही। तो हमारा जो तलीमी निजाम है, कौन कौन से चीज के गिर घूमता है? सबसे पहले कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। नंबर 2 क्रेडिबिलिटी। नंबर 3 करैक्टर। करैक्टर, तो आपने, क्योंकि आपका मैट्रिक है तो आपने जो कैरियर सिलेक्शन करनी है बड़ी सोच समझ के करनी है। कैरियर वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपको लगे कि ये मुझे इसको करके मजा आता है, सुकून मिलता है। ये नहीं कि किसी के कहने पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगी तालीम से रिलेटेड बात, दुनियावी बातें हैं। तो हम मुसलमान हैं तो एज ए मुस्लिम हमें दीनी चीजों का भी पता होना चाहिए कि दीन क्या है, क्या ख्याल है। तो हमें ये होता है कि हम MA कर लेते हैं, BA कर लेते हैं, दुनियावी तालीम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम के नमाज के फायद का, नमाज के नक्शानात का, नमाज कैसे पढ़नी है, उसके क्या क्या काम है, ये नहीं पता है। तो इस सिलसिले में हमारे एक बड़े काबिल और बड़े अच्छे और बड़े नाइस स्टूडेंट है अब्दे कदूस, वो आज आपको बताएंगे कि नमाज के एडवांटेजेस क्या हैं और इसको कैसे पढ़ना है, उसका क्या सही तरीका है। जी अब्दे कदूस। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جیسا کہ سر نے بتایا کہ نماز زندگی کا لازمی جزو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے زائد مرتبہ یہ فرمایا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پارہ نمبر 30 سورہ مزمل آخری دو آیات ہیں. اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو, زکات دو اور اپنے اللہ کو بہترین قرض دو, اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اس کا بہترین صلہ اپنے رب سے پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگو, وہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں تین چیزیں آ جاتی ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, اس کا مطلب نماز قائم کرنے کے تین اصول ہیں. ایک ہے کہ نماز پورے دل لگا کے پڑھنی چاہیے. نماز کو کہیں ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے, ساری پڑھنی چاہیے اور وقت پہ پڑھنی چاہیے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ وقت پر عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ ہم آج علی کی عبادت کو لیٹ کروا دیں گے. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی بتاؤ کون سے ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے ایسے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ جانور دیتے ہیں. ایسے ہی کر کے حضرت علی نے اپنی عبادت کو لیٹ نہیں ہونے دیا. اس لیے ہر وقت ہمیں حد دماغ رہنا چاہیے اور اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے. ایک نماز چھوڑنے کا جو سزا ہے وہ 300 سال جہنم میں رہنے کی سزا ہے. ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, اس نے کہا اے موسیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ میں نے زنا کیا, زنا کرنے کے بعد اس سے بچہ پیدا ہوا, بچے کو میں نے قتل کر دیا, اس کو ایک سرکے والے برتن میں ڈال دیا اور اس میں سرکہ بھی بیچتی رہی, تو کیا میری معافی ہو جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت یہاں سے چلی جا, یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ جائے تم پہ اور یہاں سب کچھ غارت کر کے رکھ دے. اس کے بعد وہی آ گئی, حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ اے موسیٰ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا. دیکھیں نا, ایک زنا کیا, اس سے بچہ پیدا ہوا, اسے بچے کو سرکے والے برتن میں ڈال دیا اور پھر اسے سرکہ بھی بیچنے لگے, اور اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دینا. اس لیے نماز قائم کریں اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں. پہلے وضو کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. وضو کرنا ہے پہلے نیت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر ایک کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کے بعد جتنے آپ کے قطرے وضو کے نیچے زمین پہ گریں گے اتنے آپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ تین بار پوری کریں اچھی طرح, اپنی انگلی مارے دانتوں کے درمیان, سب کچھ ناک میں مارے, یہ والی انگلی ناک میں مارے 3 مرتبہ, پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں کانوں کی لو تک, پیچھے بھی کوئی ذرا برابر بھی بال خشک نہ ہو. پھر اس کے بعد کونے تک یہ بازو دھوئیں, بال دھونے کے بعد مسا کریں. مسا کرنے کا طریقہ یہ 3 انگلیاں ایسے اس کو ایسے لے جا کر نا, پھر ایسے واپس لا, پھر ایسے کانوں کو ایسے اچھے طریقے سے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. ہم بھائی چائنیز نہیں ہیں, جو ایسے ایسے کرتے ہیں وہ صحیح مسا نہیں ہوتا, ایسے مزہ ہوتا, ایسے پھر ایسے پھر ایسے اچھی طرح کانوں کی لوپ ایسے چھونا. پھر آپ نے پاؤں دھونے ہیں, پاؤں کی ساری انگلیوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے, کوئی ذرا برابر ایڑی کو دیکھ لینا اچھی طریقے سے, اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ سب سے پہلے بایاں حصہ آپ نے نہیں دھونا, دایاں دھونا ہے, اور ایسے دھونا ہے کہ ایک حصے کے دھوتے دھوتے دوسرا حصہ پہلا جو دھویا وہ خشک نہ ہو. اس کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے, اس کا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے. اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یا جو السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی تیز جلالی و اکرام, یہ دعا پڑھنی ہے. پھر آپ نے جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے, پھر ایسے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کو دیکھنا ہے, اس کے اندر اتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اتنا ایسے اتنا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے, ایسے دیکھنا سامنے دیکھ کے آپ نے نیت کرنی ہے.
दौर का नवा चार का नवा जितनी भी आपने पढ़नी है सारी नियत करके, फिर आपने जब अल्लाह अकबर कहना ना, ये दो ऐसे सीधे हो अपने हाथ, ये वाला अंगूठा ये वाला कानों की लोक ऐसे छू रहा, अल्लाह कहते हुए अकबर से पहले पहले अपने हाथ बांध लेने, अकबर से पहले पहले हाथ बांध लेने। फिर जब रुकू में जाना ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना सही, अपने जो ना पीठ उसके बराबर होना। फिर जब सजदे में जाना, तो बाद लोग ऐसे करते हैं कि वो ऐसे जो कहना तो नहीं चाहिए, जैसे तो कुत्ते की वो शेप बना देते हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। मुसलमान है सही सजदा करना चाहिए, अपना ना पीछे से अपनी कमर उठा के रखनी है, दोनों ऐसे हाथ करके इसके ऐसे नाक रखना है और सही अपने सजदा करना है। अपने पाँव की दस उंगलियां अपने नीचे लगानी है, नाक अपना नीचे रखना है और अपनी आंखों को अपनी नाक की सीध पर देखना है। सारी नमाज में आपने आंखें नहीं बंद करनी, क्योंकि हमारे दिल की, हमारे बदन की, हमारे हर अजू की नमाज होती है, लिहाजा इसके बाद नमाज पढ़नी। नमाज पढ़ के जब आपने सलाम पहनने का वक्त आए, तब आपने जब इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे सलाम जब फेरनी है, तो जहन में ये ख्याल लाएं कि हम इमाम को, हमारे दाएं फरिश्ते को और खुद को जो बाएं जो नमाजी हैं उनको सलाम कह रहे हैं, और जब दाएं जानी बाना है तो फिर ये ख्याल करना है, जब अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर खुद को और फरिश्तों को ऐसे सलाम कह रहे हैं। तो दोस्तों नमाज कायम करें, नमाज कायम करने के तरीके भी आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आप मेरे अल्फाजों को जाया नहीं करेंगे और इस पर अमल करेंगे। वक्त गुजारा।